एवरी वन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दित्या मेकओवर। और अभी ना बस जस्ट उठी हूँ, अभी पानी भी नहीं पिया है। और चलो तो फिर करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और क्या कुछ रहेगा आज के ब्लॉग में वो तो आपको पूरा देख के ही पता चलेगा, तो बने रहना पूरे ब्लॉग में साथ। तो चलो शुरू करते हैं एक नया ब्लॉग। तो हेलो गाइस, मैं उठ चुकी हूँ और सुबह सुबह बैठी हुई हूँ। क्या लेकर? ये देखिए, ये प्याज टमाटर लेके बैठ गई हूँ। अभी मुझे ये काटने हैं। मैं गैस चला के आ गई हूँ, उस पर मैं सब्जी बनने रखाई हूँ। और आज है पवित्र का बर्थडे गाइस, तो उसे करते हैं विश। चलिए उसको उठाते हैं और उसे विश करते हैं, परेशान करते हैं। पवित्र, पवित्र सो जाओ, सो जाओ। पवित्र, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोटो छोटो, हैप्पी बर्थडे टू यू। पवित्र उठ जा, 5:30 हो गए, खड़े हो फटाफट। इसको उठाना ना गाइस, माँ बार तो सुबह उठाना, पता नहीं कैसे पढ़ाई करी है। देखो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे वाले दिन डांट खाएगी क्या? खड़ी हो, चल टाइम वेस्ट मत करवा मेरा, लेट हो रखे हैं, जल्दी उठ ना, खड़ी हो, जो काम तेरा वो कर, उठ जा, बाद में सो लियो। चल खूब आती है तो गाइज, मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ वरना ये लेट करवा देगी। और ये दो इधर सो रहे हैं, इनको अभी दूध वगैरह दे के उठाएंगे। मैं दिखा देती हूँ हमारे चुन्नू। तो हेलो गाइस, और मैंने सुबह का सारा काम जो मेरा था वो मैंने कर लिया। और पवित्र को मैंने 2-3 बार बोल लिया कि व्लॉग बना ले और बता दे क्या कुछ आज बनाया है, कुछ बना दे, पर वो अपने में ही बिजी है। अभी खेत में भी गई थी जोत लगाने पर वहाँ भी नहीं बनाया, उसका ध्यान ही नहीं रहता। और अभी अभी मैंने उससे को बोला था कि बेटा इसको कुर्ती को ना मैंने प्रेस करवाई थी और उसने ना उल्टी साइड क्रीज डाल दी, बैक की साइड, ऐसे ऐसे वो काम करती है। तो आज क्या बनाया है वो मैं दिखा देती हूँ जाने से पहले, बाकी ये दिखाती रहेगी। चलो मैं यहीं दिखा देती हूँ क्या भाई। गाय आज क्या बना है? आज बना है ये कम है, तो आज बने हैं चावल और छोले। ये मेरा टिफिन पैक हो गया है और आज है इसका बर्थडे। तो गाइस सभी बर्थडे विश कर देना। दादी को याद है? भूल गई है या किया? बोला है? बोला नहीं, बोला चलते दादी के पास पूछेंगे तेरे दादी को याद है। रख इसको, इसको बंद कर लूंगा, रख दे इसको अभी, यही मैं कर लूंगी। चम्मच लाई है? आ जा, आ जा, तेरे दादी से पूछेंगे। ये है माँ, तो भूल रही है से। और कुछ खाना? आज मेरा बर्थडे है, आज का बर्थडे रहा। तेरी दादी भूल गई, हैप्पी बर्थडे टू यू। टाइम पे ना याद आता। और ये इधर सारे कपड़े सुखा रखे हैं, रात को धोए थे। और मैं कर रही हूँ अपनी जाने की तैयारी, लंच वंच लेके जल्दी बनाए। तो ये मेरा लंच है जो कि दिखा दिया है। अभी चलना है शॉप पे और शॉप पे करेंगे आज काम काम काम। तो वहाँ पे अगर कुछ काम करेंगे तो ज़रूर दिखाऊंगी आज आपको। और बस और तो कुछ नहीं, आज मावस है तो आज ये दोनों दादी पोती ना खेत में गई थी जोत लगाने और वहाँ पे ये व्लॉग नहीं शूट करके लाई। बताओ गाइस ऐसे होती है क्या व्लॉगिंग, इसको समझाओ कोई।
ये है पवित्र का बर्थडे गिफ्ट। देख लो गाइस, एक चॉकलेट भी पका रही है मम्मी मुझे, छोटे बच्चे। तू छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है ना, मानती है ना तू बड़ी हो गई है और काम आना चाहिए। मैं इतनी बड़ी हो गई कि मुझे इतनी छोटी सी चॉकलेट। इधर आ, उधर से क्लियर नहीं आ रहा। इतनी छोटी सी चॉकलेट में काम नहीं चलेगा, इतनी भी बड़ी नहीं होगी। तो जो मिल जाए वही गिफ्ट, तो कुछ भी मिल जाए अच्छा ही। हां तो ये तो अच्छा है, लेकिन आप मेरे को भगा रहे हो। देखो गाइज, एक तो चॉकलेट दे रही हूँ फ्री फंड में, और ये चॉकलेट जो दो थी, ये दो मैं पता है क्यों लाई थी। उस दिन तेरी आंटी ने मेरा बेवकूफ बनाया ना कि हम यहाँ आए हुए हैं, जब कल परसों तेरे अंकल आए थे तुम्हारा, और उसके लिए लाई थी पारुल के लिए। उसने मेरा 90 रुपीज का लॉस करवा दिया। सुन ले, 90 रुपीज दे दिए मेरे, तेरी आंटी को बोल दूँ। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ शॉप पे, और शॉप पे सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, सेट हो चुकी है, और अभी कर लेते हैं कुछ काम। शायद मैंने आपको बताया कि आज थोड़ा सा काम करना था, तो देखते हैं अभी कुछ काम करते हैं। ऊपर कस्टमर हैं, उनका काम करना है हेयर्स का, तो चलिए वो करते हैं। ये निकाल ले, चुन्नी उतरवा दो, चुन्नी रख दो साइड में। हाँ दोनों की। अच्छा आप करा रहे हो? ये ऐसे बोल रही है, मेरे हेयर छोटे हैं। अच्छा फिर तो आप चार ज्यादा ले रहे हो। चार से कम नहीं हो, लगाते हो ना आप? तो गाइस अभी शुरू करते हैं आज का काम, और एक इन बालों में करनी है आज स्मूथनिंग। लेंथ शॉर्ट है, पर स्मूथनिंग के बाद थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब स्मूथनिंग होती है ना तो लेंथ निकल आती है बालों की। और हिना हेयर्स हैं, तो देखते हैं इनका कैसा रिजल्ट आएगा। और एक हमारे कस्टमर का इधर हेड वॉश हो रहा है, उनका भी करना है, तो बीच बीच में आपके साथ शेयर करती रहूँगी काम, जैसे भी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो बने रहना मेरे साथ। कॉटन डाल दे कान में, गर्दन आगे झुका लो। और इधर गाइस जो दूसरी क्लाइंट थी जिनके शॉर्ट लेंथ थे बालों की, उनका स्टार्ट हो गया है हेड वॉश वगैरह। पहले सबसे पहले हेड वॉश ही होता है, पहले उनका किया था, अभी इनका हो रहा है, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस। तो गाइस इधर हेड वॉश के बाद इनका हेयर्स को हल्का सा टॉवल के साथ एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह है वो साफ़ कर रहे हैं, मतलब कि सुखा रहे हैं, पानी वगैरह जो एक्स्ट्रा नीचे ड्रॉप होता रहता है। और फिर इनका भी ड्रायर से बालों को ड्राई कर रहे हैं, 80% ड्राई करना है। तो इधर शीनू कर रही है, इनसे पहले दूसरे क्लाइंट की नैन्सी कर चुकी है, जिनका काम मैं अभी आगे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ज़्यादा डीपली तो मैं नहीं दिखाऊंगी, बट हाँ थोड़ा थोड़ा बीच में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो आप बने रहना मेरे साथ। तो गाइज इनका की फर्स्ट क्रीम मैंने अप्लाई कर दी है, जो कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हेड वॉश होता है, उसके बाद ड्रायर भी होता है, ऐसे तो बहुत सारे स्टेप होते हैं। फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट अप्लाई किया है, फर्स्ट क्रीम, और इधर ये काम हो गया है कंप्लीट, पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और अभी जो मैं चेक कर रही हूँ ना गाइज, ये चेक कर रही हूँ मैं
हेयर्स का बॉन्ड कि वो ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट क्रीम का यही काम होता है हेयर्स का बॉन्ड तोड़ना, उसको ब्रेक करना। तो मैं चेक कर रही हूँ कि बाल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ या नहीं, इलास्टिसिटी से पता चल जाता है, जो बाल है ना वो हो जाता है, श्रिंक हो जाता है अगर जब अच्छे से हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ। और गाइज़ यहाँ पे मैंने दूसरे वाले क्लाइंट का भी काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनका जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तब तक उनका हेड वॉश वगैरह होएगा तब तक ये कंप्लीट होगा। तो हेलो गाइज, प्रोसेस अभी बीच में है, फर्स्ट क्रीम अप्लाई कर रही हूँ मैं। एक जो क्लाइंट है उनकी हो गई, अभी ये दूसरे हैं, इनकी फर्स्ट क्रीम चल रही है और क्रीम खत्म हो गई है, वीडियो पूरी करके क्रीम बना। क्यों ना होते? देखो कस्टमर का ये क्या कह देते कि हमारे बाल अच्छे बढ़ जाते हैं, देखते हैं जैसे थ्रेडिंग के बाद नाते ना दी। नहीं वो कटेगी तो उसको हर टाइम परेशान करती रहती है। अच्छा आपको बताया नहीं किसी ने, मतलब पहले से आपको आपने? हाँ ना, वैसे और ही तूने बताया था जब वो नहीं आगे शादी थी ना, उसके बाद अभी उसके देवर की भी शादी थी। हाँ हमारे घर में लगती है तब भी आई थी। हाँ आ गए वो यही है फरीदाबाद। नहीं फरीदाबाद ही है। फैन बंद कर लो। अच्छा आपकी क्या लगती है वो? दो मिनट बंद कर लो फिर। क्या लगती है? फैन बंद कर दो और आवाज भी कम आएगी फिर। कितनी गर्मी हो रही है। तो गाइज़ लास्ट में इनको फाइनल टच देने के लिए मैंने थोड़ी सी इनकी नीचे से चॉपिंग की थी, हल्की सी इक्वल लेंथ करने के लिए। और यहाँ पे ये अलग से कस्टमर आई हुई थी थ्रेडिंग वगैरह फेस का काम करवाने के लिए। और इधर मेरा ऑलमोस्ट एक क्लाइंट का काम कंप्लीट हो चुका था और इनके बाद मैं दूसरे वाले क्लाइंट को लगने वाली थी, जिसके लिए अभी नैन्सी रेडी कर रही है, सेक्शन वगैरह निकाल रही है। तो गाइज ये फाइनल प्रोडक्ट मैंने अप्लाई कर दिया है न्यूट्रलाइजर, इसके बाद कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं होगा, बस स्ट्रेटनिंग होगी लास्ट में। तो गाइज मैं आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए नीचे, ऊपर मैं अपना ऑलमोस्ट काम कर दिया है दोनों कस्टमर का। एक का हेड भी वॉश हो गया है लास्ट टाइम न्यूट्रलाइजर के बाद, थर्ड स्टेप के बाद, और मतलब सेकेंड होता है पर उसके बीच में जो होता है काउंट करके, थर्ड स्टेप के बाद हेड वॉश हो गया है। अभी ड्रायर हो रहा है, उसके बाद मैं लास्ट में प्रेसिंग करके दूंगी। और दूसरे का जो है उनका भी न्यूट्रलाइजर हो गया है कम्प्लीट, थर्ड स्टेप जो भी प्रोसेस मैं कर रही हूँ, और उसके बाद फिर उनका एंड हेयर ड्रायर होएगा और फिर लास्ट में स्ट्रेटनिंग होगी। तब तक मैं क्या करने आई हूँ, तब तक मैं नीचे करने आई हूँ लंच। ये देखो सुबह आपने देखा ही था, लंच इसलिए करने आई हूँ। मुझे ये डाउट हो गया है कि इतने लेट हो गए, मतलब 3 से ऊपर टाइम हो गया है, 3:30 होने को है, सुबह से खाना नहीं खाया ना मैंने ना उन्होंने। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरी सब्जी बंद है और मुझे अब ये डाउट हो रहा है कि ये ख़राब ना हो गई हो, तो मैं वो चेक कर रही हूँ ख़राब हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई होगी तो खा के मिलती हूँ आपको, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी वरना फिर। तो गाइस जिस बात का डर था वही हो गया है, सब्जी ख़राब है। मैंने थोड़े से चावल है वहीं ऊपर से डाली, सब्जी थोड़ी सी लगी, मैंने थोड़े से खा लिए, बाकी छोड़ दी और सब्जी भी छोड़ दी। तो अभी खाना हो चुका है ख़राब और अभी चलती हूँ मैं ऊपर जाके करती हूँ अपना काम। तो ये लास्ट स्टेप चल रहा है स्ट्रेटनिंग का, जो कि मेरी सेकंड क्लाइंट थी जिनकी लेंथ छोटी थी, एक की लंबी थी एक की छोटी थी, तो ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद फिर आपको आफ्टर रिजल्ट मिलेगा।
और आफ्टर रिजल्ट में मैं साथ को मैं आपको बिफोर का भी पिक डालूंगी, वो भी आप लोग देख लेना इनके हेयर कैसे थे, दोनों के डालूंगी, ऐड कर दूंगी, वो आप देख लेना। और अभी जो आप वीडियो देख रहे होगा जी, ये है फर्स्ट वाले क्लाइंट की जिनकी लेंथ लंबी थी, और साथ में है बिफोर की पिक। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ शोरूम पे, और वहाँ पे काम ख़त्म करके उसके बाद कस्टमर जाने के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और अब बना रही हूँ। और जैसा कि आपको पता है आज है पवित्र का बर्थडे, तो उसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा तो लिया नहीं है, पर बहुत टाइम पहले मैंने एक तो उसकी पेंट ले रखी थी बर्थडे के लिए ही, और सेलिब्रेट वगैरह तो कुछ करेंगे ही नहीं, आपको पता है नहीं करेंगे, वैसे भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे साल करते हैं तो नहीं कर रहे, बट उसके लिए मैं बस ये एक मतलब ड्रेस बना के लेके जा रही हूँ, वो दिखा देती हूँ आपको, उसका छोटा सा गिफ्ट हो जाएगा, और उसको मैंने बताया नहीं है, बस घर जा कर दे दूँगी, खुश हो जाएगी। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने उसके लिए क्या लिया है। तो गाइज़ ये तो है उसकी बेल बॉटम स्टाइल एक्वा ग्रीन कलर की पैंट, नीचे से बेल बॉटम है, ऊपर ये बटन है, इसको कुछ और भी बोलते हैं, मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। और इसके ऊपर ये मैंने शॉर्ट लेंथ क्रॉप में टी शर्ट ली है, ये वाली, तो ये वाली। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। और बस ये मैं पहले से ले रखी थी, ये बस मैंने इसके ऊपर ले ली है, ये उसके पहनने के लिए भी हो जाएंगी। बस शॉप पे जो भी किया वो आज शेयर कर दिया था, और अभी हूँ शोरूम पे और घर जाके दिखाऊंगी जो भी करेंगे, जो भी शायद पवित्र ने भी ब्लॉग बनाया होगा वो भी एडिट हो जाएगा, पहले हो चुका होगा, इससे आपको दिख जाएगा। तो मिलते हैं घर पे जाके। हाय गाइस, तो आज 13 डेट है, तो आज मेरा पेपर था इंग्लिश का, वो बहुत अच्छा गया था, और मुझे देखो क्या मिला, मुझे मिला है मेरा बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि मेरा बर्थडे कल है, तो मेरी फ्रेंड ने आज एक मुझे गिफ्ट दिया है, अब मैं इसे खोल के देखूँगी उसने मुझे क्या दिया। ओके, आपको भी दिखाऊँगी अभी। तो वैसे आप देख सकते हैं उसने बहुत अच्छे से डेकोरेट कराया, देखो यहाँ लिखा है फ्रॉम तुलिका तो पवित्र स्पेशल गिफ्ट फॉर स्पेशल पर्सन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट। वैसे पैकिंग तो बहुत ही अच्छी कर रखी है, It's looking so nice. Guys, ये एक बॉक्स है। Wow. Oh no, guys, ये देखो, it is a key chain. ये बहुत ही सुंदर है। Nice. इसके बाद उसने मुझे दिया है एक हैंडमेड लॉलीपॉप जिस पे लिखा हुआ है कुछ कुछ, अब मैं देखूंगी, एंड दिस टॉफी जस्ट फॉर यू, वाओ इट इज सो प्रिटी क्यूट, एंड वाओ दिस इयररिंग्स नाइस, इट इज मच 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 प्रिटी नाइस, थैंक यू तुलिका फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटिफुल, वाओ इट इज सो ब्यूटिफुल, It is like a purse. Now let's see क्या है इसमें। Wow, stickers. It is so pretty. बहुत अच्छा है guys. उसके बाद this is a wallet. I think, I guess. Wow, it is a wallet. Collect your money. Wow, इसमें मुझे क्या मिला है? Let's see. Oh, it is nice. Yes, very nice. And this is some glittery and a gift sticker. I liked it very much. Nice, बहुत अच्छा है. और ये तो बहुत ही अच्छा है. Wow, this is so pretty. क्या ये? ये तो बहुत ही अच्छा है. Wow. देखते हैं क्या आप लिखा हुआ है। थैंक यू तुलिका फॉर ऑल दिस गिफ्ट्स। सो हाय गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज मेरा बर्थडे है, तो मुझे विश करने के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए थे जो मैंने देखे और मुझे बहुत अच्छे लगे, और अभी हमारे घर पे एक और जन आ रखा है जो मुझे विश कर रहा है, मैं आपको दिखाते हैं कौन है। हेलो
सो अभी हमारे घर आए हैं मधु और वो हमारे बनाए हुए छोले चावल टेस्ट कर रही है। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। मतलब ये आज जो कर हमारे स्कूल में हिंदी दिवस था, और इसमें हमेशा हिंदी दिवस पर बर्थडे आ गए थे, मनाया गई खास तो पवित्र का जन्मदिन है। थैंक यू। और ये भी एक और बुखड़ाई अपने चावल डाल के गाइस, ये देखो तो खाती ही रहती, पूरा दिन खाती रहती गाइस। मैंने दूसरी बार चावल बनाने पड़े, पहली बार भी खत्म हो गए, पहली बार में इतने चावल थे और इन्होंने एक ही बार में खत्म कर दिया। मैंने दूसरी बार बनाए चावल और अभी तीसरी जनी भी आई है अपने चावल लेके। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ वापस वैगी सापिटा सामान लेने, जो हर बार यहाँ से लेके जाती हूँ, और अपना वही सामान सीधे जाके ढूंढते हैं, और वो हर बार मिलता नहीं है, पता नहीं अब की बार होगा या नहीं होगा। एरियल है ये, रहा, मिल गया गाइस, मिल गया मेगा पैक, ये ले लिया। और क्या लेना था, और देखते हैं, कंफर्ट, कंफर्ट लेना था, ओके कंफर्ट भी ले लिया, एक कंफर्ट ले लिया, ये भी ज़रूरी था, और एक उजाला भी ले लिया, ये भी ज़रूरी था, और एक ले लेती हूँ कपड़े धोने का साबुन, जो कि मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा इधर, तो देखते हैं ढूंढते हैं। हार्पिक तो अभी है, पुलिन वगैरह की हमें इतनी ज़्यादा घर पे ज़रूरत नहीं होती, तो बर्तन बार देखते हैं, ये वाला, अब इसमें भी बड़ा नहीं है, ये कौन सा है, ये कोई नया ही आया है, मुझे ये वाला चाहिए पर बड़े में, ये छोटा सा है, ये ग्रीन वाला है, ये भी नहीं चाहिए, तुलसी लेमन, ये कौन सा आ गया, ये रहा नीचे, ये रहा, ये रहा, ये रहा लेमन्स, येलो वाला देखते हो, तुलसी लेमन, ये कैसा है, यूज़ करके देखते हो गाइस, नई चीज़ भी ट्राई करनी चाहिए, हर चीज़ ब्रांड 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 नहीं होती, कभी कभी विदाउट ब्रांड भी अच्छी निकलती है। और क्या लेना था, ये दो ही ले लेती हूँ, दो ही हो गए, या एक भी ले लो, होंगी लग, ये रे मिल गई, ये रे हो गया, कोलगेट है ना अपने, और क्या लेना है, डिटॉल, डिटॉल लेता है, सिंथोल, ये कितने का है भाई, पहले देखते हैं कितने का है, ना 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 ना, ना ये नहीं लेना, ये देखते हैं, 50, और ये लाइफ बॉय का 270, लक्स नहीं, लक्स तो नहीं, यही ले लेते हैं, डिटोल, डिटोल ले लेते हैं, हैं? तो इधर क्या तो लेने, हाँ कितना नहीं खाई लगाओ, क्यों पीछे भी गिरवाओ, हैं?
चने पैकेट ले लो सकेंगे ना होता लिवाएं लिवाएंगे खाना है नहीं लिवाएं लिवाएंगे खाना है नहीं ये रे ₹70 का चावल रह गए चावल गाड़ा वो है नहीं उड़े ते बड़ा पैकेट ले आऊंगे चावल खत्म हो रहे हैं बस बाकी तो ही बस कुछ है चलो बनवाओ गाइस एक चीज़ तो है ना मैंने वैसे ही पहले ले रखी थी तो बस उस पे टी शर्ट अपनी शोरूम से ले आई और अभी उसको दिखाते हैं वो खुश हो जाएगी और इधर चल रहा है इधर ऑनलाइन ट्यूशन क्लास चली हुई है और इधर ये फोन ले रही है ना और मैं अलमारी में से निकाल लेती हूँ तो चलिए गाइज अपनी शीट पे पहुँचते हैं और गाइज इधर ऑनलाइन क्लास चली हुई है ट्यूशन क्लोज योर आईज कम है यार जल्दी आ जा यहाँ आ जा क्लोज योर आईज आईज क्लोज करना बुलवा मत ज्यादा इतना ठंडा रिएक्शन गाइज चल अब ट्राई करके दिखा दे मुझे एक बार करके दिखा क्योंकि ये शॉर्ट में है क्रॉप में है ये टी शर्ट यहाँ तक चल ट्राई करके दिखा हाय गाइस तो अभी रात हो रखी है और मम्मी रात को सब्जी काट रही है और राय ने मम्मी की हेल्प करा रही है छाट छाट के इकट्ठी करके दे रही है तो गाइस अभी रात को ही काट रही है क्योंकि सुबह इनको काटने में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और भाई सुबह बहुत काम होता है उससे खाना बनाना ना एक टफ टास्क है सुबह सुबह तो इसलिए अभी काट के रख देती हूँ सुबह मुझे फिर प्याज भी काटने हैं अभी वो काट नहीं सकते क्योंकि उनमें स्मेल हो जाएगी ख़राब हो जाएंगे तो अभी बस भिंडियाँ काट रही हूँ तो गाइज ये था हमारा आज का ब्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आया है और यहाँ तक वीडियो देख ली है ना तो वीडियो को लाइक कर दो कमेंट कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत ज़्यादा शेयर करो दोबारा से वही बात है और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट सब गुड नाइट कर दो भाई गुड नाइट गाइज उसमें देख लो गुड नाइट गाइज बाय बाय सी यू टाटा गुड बाय आप भी बोलो मैडम कैमरामैन गुड नाइट गाइज तो गाइज ये देखो हम पवित्र को बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं ये और ये ले नहीं रही हमने ना सारे लगा दिए थे और इसने उतार दिया अब हम इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं इधर आ अरे मोटो पेठे अलता भी कोना दीदी लो तो गाइज मैं इसको ऐसे लगा रही थी ये ऐसे ऐसे कितना ही लुकेगी हाथ हटाइए वाला हाथ पकड़ रही नहीं नीचे नीचे दबाओ उधर उधर दबाओ उधर वो तंगा है इसमें या तुम ये ना करती लगाओ लगाओ मम्मी लगाओ कान कर तेरी रो पड़ी मम्मी रहने दो चल दिखा तेरे लगा दूं